हाई एवरी वन, अनदर ब्लॉग। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, नहीं 11:30 हो रहे हैं अभी तो रात के। यूजुअली इतनी रात को मैं कभी ब्लॉग स्टार्ट करती नहीं क्योंकि कुछ करती नहीं, बट दिस इज़ छोटी होली डे, दैट मीन्स द एक्चुअल होली का दहन डे, एंड आई वॉज डूइंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट आई विल स्टार्ट दिस व्लॉग फ्रॉम हियर। दिस इज गोइंग टू बी अनदर होली व्लॉग, बट अगेन एन इन्फॉर्मेटिव वन। सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न समथिंग विच विल हेल्प यू इन योर लॉ करियर, इन योर लॉ स्कूल एग्जाम्स में भी, और इन योर डेली लाइफ एज अ लॉयर, लॉ स्टूडेंट, और इवन एज अ जनरल पर्सन इफ यू आर डीलिंग विद द लॉज इन एनी वे। सो हैप्पी होली गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एज वेल। सो दीज आर द पापड़ीज दैट हैव बीन मेड। ये हैं भल्ले, तो भल्ले पापड़ी बन जाएगी। पापड़ी बनाते बनाते गलती से गोलगप्पे भी बन गए हैं, आई मीन जो ज़्यादा फूल गए हैं, तो दोज विल एक्ट एज गोलगप्पास और भरवा गोलगप्पा। अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और वुमेंस डे पे आप सब के लिए गिफ्ट है, सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम, दोज हु विश टू एंटर द लॉ फील्ड 2024-25, जबकि भी क्लैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो नाउ, बिकॉज यू आर कन्फ्यूज कि क्लैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा, तो उन्होंने आपको एक 7-day फ्री ट्रायल देने का डिसाइड किया है। सिर्फ 10 मार्च तक आपको वी लॉगिश कोड यूज़ करके ये फ्री ट्रायल मिल सकता है। ये जो स्क्रीन पे QR कोड है ना, इसको स्कैन करो, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो और अपना फ्री ट्रायल एक्टिवेट करवा सकते हो। कोड आपका वी लॉगिश है क्योंकि आप वी लॉगिश सब्सक्राइबर्स हो। अगर स्कैन नहीं हो रहा है QR कोड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें आपको लेक्चर्स, सारी क्लासेस, सारे टीचर्स से मिलना, साथ में नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा और आप बिल्कुल पता लगा सकते हो आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो ये एक बैच ऑप्शन है आपके लिए, ये नया नया बैच है जो स्टार्ट हुआ है स्पेशली क्लैट 2025 के लिए। बिगिनर बैच है, यानी कि सब चीज़ A से लेकर Z तक आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलते हैं, यानी कि सिर्फ क्लासेस मिलती हैं, और बल्कि आपको अपने टीचर्स से लाइव इंटरेक्शन भी मिलता है। एंड दीज पीपल आर रियली एक्सपीरियंस्ड इन देयर फील्ड, दिस आई कैन रियली वाउच फॉर इट। तो आपको, अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आप इस बैच को में भी रजिस्टर करके आप ये फ्री ट्रायल ले सकते हो। इसके अलावा देयर इज़ अ सेक्टर विच आई नो इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द महाराष्ट्र स्टेट का एग्ज़ाम, विच इज़ MHCET, जिससे कि आपको महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। उसके लिए ना 11 मार्च को 2 PM पे एक मॉक टेस्ट होने वाला है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इसको ज़रूर दे देना, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है, क्योंकि जब ये ऐसी फ्री चीज़ें आपको मिलती है ना, और जिसका एनालिसिस भी आपको मिलने वाला होता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके लिए रजिस्टर कर देना, पता लगेगा कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी प्रिपरेशन कर ली है, कितनी करनी बाकी है। अगले दिन 12 मार्च को इसका आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जिससे कि आप अपने वीक एरियाज़ को असर्टेन कर पाओगे, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को देख के खुश हो पाओगे। सो ऑल ऑफ दिस इज़ एसेंशियल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, बी इट अ लॉ एग्जाम और एनी अदर एग्जाम। सो आई थिंक यू शुड नॉट वेट एनी फर्दर, अपना फ्री ट्रायल आपको एक्टिवेट आज ही करवा लेना चाहिए अगर आपको लॉ फील्ड में आना है तो। बाकी अगर आपको और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई इशू है, तो मुझसे बिल्कुल पूछ ले, मैं आपको होली प्रिपरेशन की तरफ वापस लेके चलती हूँ। अभी बस दिखाओ, यहाँ दिखाओ, इसमें दिखाओ, दिखा तो रही हूँ, अरे इसमें लाओ और पास लाओ, ये दिखाना इसलिए है क्योंकि इससे कन्वर्ट हो जाता है ये इस पे, और ठीक है, दिस इज द आर्ट एंड दिस इज द मटेरियल एंड आई एम द आर्टिस्ट। मैं करके दिखाती हूँ, इतना पास मत रखो, बस दूर ले, बस काफ़ी। शक्ल वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब है कि कोट के बाद ये वाला काम भी करते हैं, किसी को मसाला पिसवाना हो अपने घर का, तो मेरी ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मसाले का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए हम बता देंगे। फिर गया, थोड़ा सा रह गया, बता रहे हो, थोड़ा सा रह नहीं गया, एक दो हो गया, बढ़िया बढ़िया। सुपर जाइए कुल 6 बजे,
क्यों खाना भी बनाना ना कल साला सारा प्लेट खत्म मैंने किया मम्मी आपने भी बना रखा था थोड़ा सा है मैंने तो छोड़ दिया था सही पिज़्ज़ा है ना बढ़िया कर लिया आपकी ज़िंदगी सब पैदा हो Hey, good morning. Almost ready for the festival, but workout is important on all days. So here I am, थोड़ा सा body को खोल के फिर वाली के लिए तो इसलिए थोड़ा सा workout करना ज़रूरी है. It feels like जब when you are sweating, your body cleans itself. I don't know why it feels like that to me at least. But anyway, अभी vlog को continue करेंगे. पहले let me just complete my small workout routine. बहुत छोटा सा ही आज 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करके चलता है फिर. गाइज डू यू नो आई रियली लाइक दिस फेस्टिवल और ये सुबह सुबह मुझे बस एक्साइटमेंट रहती है कि कब हम खेलना शुरू करेंगे. वैसे तो मैं तो हर बार ही बोल देती हूँ ना कि दिस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, ये है वो है, मुझे लगता है सारे फेस्टिवल पसंद है. अरे हमेशा सेम हरकत है. हैप्पी होली और क्या करेंगे. एंड दिस थिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोर्ट केसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये हमने पूरा एक जाल बिछाने की कोशिश की थी. इफ़ एनी बडी इज़ कमिंग तो हम उसको कैसे भिगा के और कलर्स में डाल के अंदर आने देंगे. अब हो गई होली ख़त्म. मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी मुझे पहचान पा रहा होगा, बट एनी वे दिस इज मी ओनली. क्या करूँ, इंट्रो कर देती हूँ. हाय गाइस, इट्स ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग मी लोकेश. Hey everyone, so these were a few glimpses of my Holi. I hope you enjoyed. I couldn't shoot a lot, reason being I was all filled with colors. I'm all purple, pink and what not. You can see these are dag dhabbas here and there. तो इसी रीज़न की वजह से आई डिडंट वांट टू टच माय फोन अ लॉट, बट आई शॉट समथिंग फॉर यू. एज प्रॉमिस्ड आई टोल्ड यू दैट आई विल बी शेयरिंग समथिंग लीगली इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, बिकॉज इट्स जस्ट अ विश ऑफ अ काइंड फॉर मी दैट आई वांट. इफ एनीबडी फ्रॉम यू इज सीइंग एनी ऑफ द वीडियोज ऑन वी लॉगिश, यू शुड बी एंटरटेन्ड एंड यू शुड बी एबल टू से दैट दिस वॉज अ वैल्यू एडिशन वीडियो, वैल्यू एडिंग वीडियो टू माई लाइफ. सो टॉकिंग अबाउट होली, वेन एवर वी टॉक अबाउट होली वी डेफिनेटली से दैट इट इज़ अ फेस्टिवल विच वन मस्ट प्ले सेफली. एंड द रीज़न बींग पीपल आर फिल्ड विद हैप्पीनेस, पीपल आर ऑल एक्साइटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर ऑल्सो ड्रंक, विच becomes the root cause of many crimes, many evils, many problems in the society. I'm not saying that all of us witness that, but generally on this festival there is a rise, there is a high rise in incidents and cases like these, such as one of the major incidents that are reported during this festival or on the day of this festival is eve teasing. And it is sad, but it is the truth that women are often maltreated, mistreated by men around generally, or by people of other gender around. I've seen boys also being mistreated, but I don't know if my knowledge is limited, but generally I have seen boys mistreating boys or boys mistreating girls. This way it goes. So this is one particular section that you must remember. आपके बच्चों के लिए बहुत important है. I have talked about section 354 IPC in some of my videos, which is outraging the modesty of a woman. जहाँ पर आपका intent भी है modesty outrage करने का, आपका attempt भी है, तो भी वो एक crime होता है IPC में.
अब मॉडेस्टी अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो इसको मैं जो सिंपल सा वर्ड दूंगी ना वो मैं इज्जत दूंगी, उसको आउटरेज करना, उसका किसी भी तरह से अपमान करना, ठीक है, अवहेलना करना। तो ये मॉडेस्टी आउटरेज करने वाले इंसिडेंट्स होली वाले दिन पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, दिस इज़ फॉर आर लॉ स्टूडेंट्स एज वेल, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इवन अ चाइल्ड, अ गर्ल चाइल्ड कैन कम। ये लॉ आज से नहीं है, आपको ये चीज़ पर्टिकुलरली सेक्शन में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट देर इज़ अ केस लॉ ऑन दिस। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड केस लॉ एंड इट रिमेन्स द लॉ इवन अंटिल टुडे। अराउंड 1966 का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज मेजर सिंह, वहाँ पर जब एक छोटी बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इवन दिस केस कैन बी कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन, बिकॉज अ वुमन, अ गर्ल चाइल्ड गेट्स हर मॉडेस्टी फ्रॉम द एज दैट शी इज बॉर्न, सो हर मॉडेस्टी हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एज दैट शी कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, फ्रॉम द टाइम शी कम्स इनटू दिस वर्ल्ड। तो उस टाइम पे भी, यहाँ पर भी वो सेक्शन लगाया गया था, सो इवन गर्ल चिल्ड्रन कैन अवेल प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन। अब यहाँ पर ना इस सेक्शन में दो की इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो असॉल्ट होना चाहिए या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ होना चाहिए। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दोनों ही अलग अलग सेक्शंस में ना डिफाइन किए गए हैं। फोर्स में जनरली आपको किसी को मूवमेंट कॉज करनी है उसमें, जैसे मैंने धक्का दिया, मैंने टच किया, मैंने पुश किया, मैंने पुल किया, मैंने ऐसे टच किया। सो इस सेक्शन में कवर होने के लिए ये असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स में से एक चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए गाइस। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने देखे भी होंगे जहाँ पर लेट्स से मैन इज स्टैंडिंग एंड इज सिंगिंग समथिंग, सेइंग समथिंग, रिसाइटिंग समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्सीन, विच इज़ नॉट समथिंग दैट अ वुमन शुड हियर, नॉट समथिंग दैट एनीबडी शुड हियर। तो आपको लगता होगा इस केस में क्या ये कोई क्राइम है, मुझे टच नहीं कर रहा है, मुझे कुछ आके छू नहीं रहा है, धक्का नहीं दे रहा है, पुश पुल नहीं कर रहा है, बट अजीब अजीब से गाने गा रहा है और रिमार्क्स कमेंट्स पास कर रहा है, तो उस समय पे वो कौन से सेक्शन में कवर होंगे। सो फॉर दैट यू कैन सी सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी, इट विल हेल्प यू। आई वॉन्टेड टू टेल यू पर्टिकुलरली दिस सेक्शन क्योंकि 354 पे हमारा ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है, बट 294 जनरली हम मिस कर देते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑफकोर्स प्रैक्टिस में नहीं है, आप जनरल पब्लिक का पार्ट है, आप लॉयर्स नहीं हैं, या फिर आप अभी लॉ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू किया है। तो बस आप लोगों के लिए था, नॉट होली ज्ञान, इसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस ये इसलिए कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से कंटेंट मिले, बट रीज़न मीन कि फेस्टिवल्स पे, होली फेस्टिवल पे स्पेसिफिकली ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी बार देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या आपको ऐसा कुछ होने का डर है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द लॉ इज़ विद यू, वी आर विद यू, द लॉयर्स आर विद यू, द लॉ इज़ विद यू। और अगर कोई उस सेक्टर के लोग देख रहे हैं जिन्होंने गलती से भी सोचा है ना ऐसा कुछ करने का फेस्टिवल के नाम पे, तो थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। इन लोगों के साथ में लॉ है, आपके साथ में नहीं है। तुमको ऑनेस्टली जेल में अगर रहना पड़ गया, अगर तुम्हारे खिलाफ ये सब साबित हो गया, योर लाइफ इज गोइंग टू बिकम हेल। सो दिस इज अ वार्निंग फॉर दोज। आप लोग मत डरना, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रहे हो, बट मेरी वार्निंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसा कुछ कभी किया, करने की सोचा या करने की अपने दिमाग में लाई भी। कोई नहीं छोड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। विद दिस आई कैन जस्ट से अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.